Don't you give up, no, no, no. I won't give up, no, no, no. Let me love. Hello students, welcome back to my channel e-learning accounts and maths. So let's do question number 2 of exercise 1b, that is number system. The question is, write each of the following in decimal form and what kind of decimal expansion each has. देखिए हमें क्या करना है, 5/8 है तो हम क्या करना है, 5/8 को फ्रैक्शन है, 5/8 फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है. देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. फर्स्ट है 5/8, 5 को 8 से हम डिवाइड करेंगे. देखिए 8 और 5, तो 5 तो 8 की टेबल में आता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 5 0 आ गया. अब देखिए 8 की टेबल में 50 भी नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 8 5 48 10 मिस 8 गया 2. अब देखिए यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, फिर 8 2 16, 4, फिर 8 5 40. देखिए जब भी कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल हो जाए तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग. अगर नंबर, देखिए अगर नंबर रिपीट करे, जैसे 0.625 हो तो रिपीट करके फिर 625 आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है. और अगर नंबर यहाँ पे कैंसिल हो जाए, पूरा सॉल्व हो जाए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, वो टर्मिनेटिंग है. इज इक्वल टू 0.625, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन सेकेंड है 7/25. ये तो पता है कि हमेशा डिवाइड क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है वो बाहर रहता है और ऊपर वाला नंबर क्या होता है, अंदर रहता है. देखिए 25 बाहर रहेगा और 7 क्या है, अंदर रहेगा. 25 और 7, पहले की देखिए 25 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाने के लिए, 0. अब 25 क्या करें, 25 2 50, क्योंकि 25 3 70 से बड़ा आता है, इसलिए 25 2 50, 0 2. अब देखिए 25 के टेबल में 20 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, तो 25 8 200. देखिए अब ये नंबर भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. इज इक्वल टू 0.28, तो इट इज़ क्या हो जाएगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है 3/11. थर्ड 3/11 क्या करेंगे, हम 11, अब क्या करेंगे, 11 बाहर रहेगा, 3 अंदर रहेगा. 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से. 11 बाहर रहेगा और 3 अंदर रहेगा. देखिए अब क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, तो 11 में 30 आता नहीं, तो क्या करेंगे, 11 2 20, 8 कैंसिल. अब देखिए 80, फिर 11 मिट 80 तो आता नहीं, 11 7 77 3. अब देखिए 11 में 30 भी नहीं आता, अब क्या करेंगे, 11 2 20 2, फिर 11 8. अब देखिए 11 80, फिर 11 7 77. देखिए अब स्टूडेंट अब 77, देखिए अब ये नंबर रिपीट करने लगा, 27 है, फिर 27 आने लगा. अगर आप आगे करेंगे तो क्या आने लगेगा, इतना ही आएगा, 2 2 7 2 7 2 7 अंदर आता रहेगा आगे. तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, अगर जो नंबर, दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर रिपीट कर रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए. आप करके सॉल्व करके देख सकते हैं कि 11 7 77 आ गया, फिर 2 बचेगा, फिर हम फिर 3 आ गया यहाँ पे, फिर 30 होगा, और फिर 11 2 20, ये आगे बढ़ते ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2727. देखिए इस नंबर, जब कोई नंबर रिपीट करता है तो उसको हम एक नंबर करने के लिए क्या करते हैं, जब कोई नंबर जितने वैल्यू पे नंबर रिपीट करता है उस वैल्यू पे हम क्या लगा देते हैं, बार लगाते हैं.
जैसे 2 7 रिपीट कर रहा है तो हम क्या लगेंगे 2 7 बार, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है तो हम सिर्फ 2 पे बार लगाते हैं, लेकिन 2 7 रिपीट कर रहा है तो 2 7 पे हम बार लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो नंबर रिपीट करता है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5 बाई 13। अब हम क्या करेंगे, 5 को 13 से डिवाइड करेंगे। देखिए 13 और ये 5। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, 13 को टेबल 5 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब देखिए 13 थ्री ज़ा क्या होता है, 39। 13 थ्री ज़ा 39, 10 9 गया 1, फिर यहाँ पे 4 और 4 में 3 गया 1, फिर 11 आता नहीं 13 टेबल, यहाँ पे क्या 13, तो यहाँ पे हम एक और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए 13 टेबल 110 आता नहीं, 110 से छोटा क्या आता है, 104। 13 8 ज़ा 104, 10 4 गया 6, फिर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए 6 आता नहीं है तो हम एक 0 बढ़ाएंगे, तो 13 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 52। 10 2 गया 8, ये कैंसिल, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो 13 6 ज़ा 78। 2 कैंसिल, एक और 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 7, फिर क्या, हाँ अब देखिए एक और 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 ज़ा 65। 10 5 के 5 कैंसिल। अब देखिए एक और 0 बढ़ाएंगे, अब देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे रिपीट करने लगा है, 50 है, 50 स्टार्टिंग में था, तो हम ये नंबर, ये तो कितना बार लगेगा यहाँ से 5 तक, देखिए 13 3 ज़ा 39, फिर 10 9 गया 1 कैंसिल, अरे ये 1, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए फिर से रिपीट करने लगा तो यहाँ पे हम रोक देंगे, क्या बनेगा, 0.384615, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है तो 3 नहीं लिखेंगे, जितना रिपीट कर रहा है उस पर हम क्या कर देते हैं, जितना नंबर रिपीट करता है उस पर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। जितना नंबर रिपीट करेगा उसको हम शॉर्ट में करने के लिए हम उस पर बार लगा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब जितना भी नंबर रिपीट करेगा उस सब नंबर पे हम बार लगा देंगे इसको छोटा करने के लिए। देखिए 5 तक आया, फिर 3 रिपीट करने लगा है, फिर आगे अब डिवाइड करो क्या आएगा, 8 4 6 1 5, यही नंबर दोबारा रिपीट करने लगा, इसलिए ये नंबर क्या हो जाता है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये नंबर रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन और सेकेंड का 5th पार्ट, 11 बाई 24। देखिए 5th पार्ट क्या है, 11 बाई 24 है 5th पार्ट, 11 बाई 24, तो हम क्या करेंगे, 11 को 24 से डिवाइड करेंगे। देखिए 24 और 11, तो 24 में 11 आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, और पॉइंट बढ़ाएंगे तो 24 पॉइंट, फिर 11, फिर 24 4 ज़ा 96, 10 6 गया 4, फिर 1 और फिर 14 आते हैं तो हम 0 बढ़ाएंगे, तो 24 5 ज़ा 120, और 4 2 गया 2, फिर देखिए एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर 24 192, 24 8 ज़ा 192 होता है, फिर देखिए 10 2 गया 8, फिर ये 10, फिर 9 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, 24 3 ज़ा 72। अब देखिए 10 2 गया 8, 7 7 के कैंसिल, फिर 0, फिर 24 3 ज़ा 72, 8 कैंसिल।
अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे थ्री 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 रिपीट कर रहा है, तो हम बार सिर्फ किस पे लगाएंगे, सिर्फ थ्री पे, क्योंकि सिर्फ थ्री रिपीट कर रहा है तो हम सिर्फ थ्री पे बार लगाएंगे। यहाँ देखिए 80 72, फिर 80 72, 80 72, तो थ्री सिर्फ रिपीट कर रहा है तो हम सिर्फ बार किस पे लगाएंगे, 0.0458333 है, तो हम बार सिर्फ किस पे लगाएंगे, ए थ्री थ्री पे सिर्फ थ्री बार लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।